बोलो भाई, एक्सरसाइज 0 पार्ट डी, मोशन ऑफ सैटेलाइट में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर मुझे ना मतलब फर्स्ट और सेकंड में ये क्लैरिटी नहीं हुई कि जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी बंद हो गई कि सैटेलाइट रुकेगी। वेलोसिटी रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर सैटेलाइट मतलब क्या होगा? बता क्या लग रहा है तेरे को, सीधी अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म हो जाए तो सैटेलाइट कहाँ जाएगी, टेंजेंट के लॉन्ग क्यों जाएगी? टेंजेंट के अलावा क्यों जाती है? क्योंकि मतलब जो इंस्टेनियस फोर्स टाइप होती है वो उस डायरेक्शन में होती है, इंस्टेनियस लॉस मतलब सबको टेंजेंट के लॉन्ग ही होता है इसमें तो सर्कल में। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसके कारण वो टेंजेंट, जिसके कारण वो ऐसे जा रही थी, वही बंद कर दी हमने, वेलोसिटी 0 कर दी। अगर वेलोसिटी 0 कर दी तो क्या लग रहा है सिर्फ इस पे, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही है क्या? नो सर, अगर सर अगर वेलोसिटी 0 होगी तो फिर सेंटर अगर हमने वेलोसिटी 0 की है, वेलोसिटी 0 कर दी तो सिर्फ क्या लग रहा है इस सेंट्रीपिटल बॉडी पे, ये फोर्स। अच्छा सैटेलाइट किधर ठीक है, घुसेगी, इट विल मूव सैटेलाइट टूवर्ड द टुवर्ड अर्थ दी अंदर चली जाएगी। ठीक है फर्स्ट में क्या कंफ्यूजन है? बस बस तो आ जाएगा फिर। मैं वही देख रहा था ना कि मतलब उसमें भी अगर मुझे लग रहा दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स लगनी बंद हो रही है। नहीं, फर्स्ट में ग्रेविटेशन फोर्स बंद हो रही है लगनी। नहीं, आप समझ गया ना कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। तो फर्स्ट में फिर क्या हो रहा है? उसमें तो बी सैटेलाइट के साथ ही गोल घूमने लग जाएगा क्योंकि वाई उसमें तो मतलब वेलोसिटी 0 नहीं हुई ना, उसमें तो वही वेलोसिटी। सब कुछ लग हाँ रहा है जो सैटेलाइट पे लगी जा रहा बिल्कुल सही बात है। तो उस पे उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसलिए इट कंटिन्यू टू मूव इन द ऑर्बिट। है। यस सर, हाँ भाई, और 10 तक थर्टीन तक ई पार्ट में कोई डाउट? एफ पार्ट कर लिया तुम लोगों ने? कैपलर्स लॉ नहीं सर, क्यों? वो कल लिख रहा था तो मैंने सोचा मैं याद कर लूंगी। होमवर्क तो आज के लिए था ना सेक्शन? सर मैंने हाँ भी नहीं जी, किया सर, तुमने किया? मैं कंफ्यूज हो गया टाइम टेबल में। वैसे टाइम भी किया था? टाइम किया? टाइम टेबल में आज कंफ्यूज हो गया सर। टाइम टेबल में क्या कंफ्यूजन होगी तेरे को? फिजिक्स की क्लास पहली ना होती दूसरी हो जाती, दूसरी ना होती तीसरी हो जाती। नहीं सर, वैसे तो जब दो बायो के पीरियड होते हैं साथ में केमिस्ट्री रखते हैं, आर्ट फिजिक्स रख दी। ये कोई रूल थोड़ी है। हाँ जी किस सर, किसने बस किस किसने किया है कैपलर्स लॉ? आदित्य, दैट्स इट। शाबाश, वेरी गुड। तो आज डिस्कशन कितनी आसान होगी ना? मैं पूछूंगा कैपलर्स लॉ में कोई डाउट, तुम लोग बोलोगे नहीं सर, है ना? और कितनी जल्दी इसकी वो खत्म डिस्कशन, ऐसा कर ले। बोलो नो सर, एक्सरसाइज 1 में बोलो, पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 5 तक।
हाँ जी सर, क्या डाउट है? दो अब तो लो चौसे लेटर टा हाइट अच्छा प्रोफेसर से बोलते हैं सर। सर इसमें हम मतलब जो ऑर्बिटल लॉस जो होती है वो होती है अनरूट जी एम ने पहले उसके लॉस के फॉर्म में सेम है। सर इसमें ना कुछ ऐसे हो रहा था कि मतलब नीचे v प्लस एच आई थिंक हो रहा था। तो तू सोच ले इतने और बोलो। हाँ जी सर, एक मिनट में। 10th तक? 9th। 9th सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ स्ट्रिंग्स। क्या डाउट है विद्युत में इसमें? सर इसमें मेरा निकल नहीं रहा। क्या नहीं निकल रहा? क्यों नहीं निकल रहा? क्या किया तुमने? सर जैसे मैंने पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन वी, सर वी की वैल्यू रूट जी एम बाय आर, सर और जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही है। क्यों? क्योंकि सर अराउंड द अर्थ तो मैंने मतलब वही ले लिया था। अराउंड द अर्थ मतलब ऐसा है, वैसे तो यहाँ पे कहीं लिखा अराउंड द अर्थ, तो ये वाली सैटेलाइट जो इतनी दूर है इज इट नॉट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ? यस सर। खैर अगर चाहे तुम तो इसको रेडियस के पास वाली ले लो चाहे दूर वाली ले लो, उससे अंतर में फर्क नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है आर, तो रेडियस के पास ले लो, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, आर हम यही लेंगे। अब क्या है, चलो हम अभी ये अर्थ थी पहले, यहाँ सैटेलाइट थी, ये आर है। अब अर्थ श्रिंक होके इतनी रह गई, मास सेम है, क्या छोटे आर में अंतर आया? नो सर। तो इधर था T is equal to 2 pi r root by root of g m. 2 same, pi same, छोटा r same, g same, m. So time period remains same. Yes, sir. Sixteenth हो गया? नो सर, टू पार्टिकल्स। यस सर। विद्युत में कर लिया? यस सर। और किसका हो गया 16? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों ने काम नहीं किए? ये भी मतलब कैपलर लॉ तो जो किए नहीं किए वो तो लग पा रहा है। सक्षम का हो गया, विद्युत में का हो गया, और बस किसी का नहीं हुआ। सर इसमें ये नहीं समझा मतलब जो ये बात किसकी कर रहा है, जो ये दो पार्टिकल हैं ये दोनों एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं और दोनों की मतलब आपस में अट्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी स्टार सिस्टम। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, दो स्टार्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच अदर। तो इसमें ऐसा कुछ होता है। तुम लोगों को वीडियो दिख रही है? यस सर। इट इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम राइट। ठीक है, यहाँ पे तो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होगा, ये वाला स्टार पहला, दिस इज स्टार दूसरा, तो दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ऐसे सर्कल में घूमते हैं। ओके? यस सर। एक पहला दूसरे को घुमा रहा है, दूसरा पहले को घुमा रहा है, तो ये ऐसे ऐसे चलता है सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम राइट। तो इसमें हम ऐसा कुछ होता है, दिस इज फर्स्ट स्टार, दिस इज सेकंड स्टार, ये ऐसे चलेंगे, ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल में घूमेंगे उसका जो रेडियस है वो ये होगा, विच इज गिवन टू बी कैपिटल आर।
ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक स्टार पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो कि उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है टू मूव इट इन अ सर्कल, उनको इक्वेट कर दो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन स्टार इज प्रोवाइडिंग दिस नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू दैट स्टार, इट विल बी जी एम एम बाय बाय 4R स्क्वायर। ये हो गया 2R, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2R। इज इक्वल टू व्हाट इज एफ सी एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक आर यहाँ पे उड़ेगा, एक एम उड़ेगा, बाकी निकल गया तुम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 1/2 आ गया जी एम बाय। इसमें इसके तरह का ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें उसमें टर्शरी स्टार सिस्टम था, टर्श मतलब ऐसे तीन थे, चार वाला रखा है मेंस में। तो यहाँ पे क्या है, इसमें ये तीन स्टार्स आर मूविंग इन ड्यू टू इन अ सर्कल, सर्कुलर मोशन ऐसे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अदर, ऐसा ऐसा घूमता। ओके, तो आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन है, शायद एक्सरसाइज टू में है, अगर नहीं हुआ तो हम क्लास में करा दूंगा एक्सरसाइज टू के डिस्कशन के टाइम पे, याद करा देना मेरे को, अदरवाइज अगर हुआ तो वहां पे करके देखना इसको। इसमें हमें क्या करना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन स्टार ढूंढना, उसको एफ सी के बराबर कर देना। कितनी होगी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन स्टार, √3gm²/r²। हाँ, जो भी ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो भी होगा, अगर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, लेट्स से दिस इज ए, तो ये 60 डिग्री है, तो √3fg इज इक्वल टू एफ सी कर देना अपने, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत वो मैथ्स लगेगी कि रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल में क्या रिलेशन होगा, वो निकाल ले। ठीक है जी, यहाँ से हम इसका इसकी वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। ऐसे चार वाला सिस्टम, उसमें चार हैं, तो एक पे नेट फोर्स निकाल के इक्वल टू एफ सी करना है, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। सर, उसमें जो सेंट्रोइड है वो सर्कल का सेंटर होगा? बिल्कुल, ठीक है। पार्टी, तेरे को मिला उसमें दिक्कत? हाँ जी सर। पूछ मेरे, कब पूछेगा? हाँ जी सर। सर जो मतलब उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √gm/r+h, और हमने जो एस्केप वेलोसिटी निकालनी होती है वो होती है √gm/r। तो उसमें हम कैसे नहीं, उसको सेपरेट कैसे करेंगे उसमें से, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में से? ये इट इज आस्किंग द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सेम लोकेशन, एस्केप वेलोसिटी इज √2gm/R from the earth, लेकिन from the same location ये हो जाएगी, and ये होती है √gm/r orbital velocity, so it is √2 times। अच्छा ठीक है, ठीक है, okay। Party, कोई doubt? क्या डाउट है? वैक्यूम क्या होता है? जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब हवा नहीं होती। हवा नहीं होती, जहां पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, जहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स, हवा नहीं है, मॉलिक्यूल कुछ नहीं है वहां पे, तो रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगी सैटेलाइट पे, तो रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगी, तो उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए घूमने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो थोड़ी बहुत डस्ट होती है ऊपर, कहीं पत्थर वत्थर से टकरा गया, कुछ हो गया, अगर स्पीड वेरी है ना, कुछ होता है तो इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम दी सोलर पैनल लगे होते हैं सैटेलाइट पे, हैव यू सीन दैट कहीं मॉडल वॉडल में? हाँ जी सर। ये जो पंख होते हैं ना सैटेलाइट के, दे आर एक्चुअली सोलर पैनल्स, तो वहाँ वो सोलर पैनल्स दे आर देयर फॉर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है सर, ठीक है, वो प्रैक्टिकली ऐसा जरूरत पड़ती है उसकी,
बट यहाँ पे वैक्यूम बोल दे तो वैक्यूम के लिए कोई भी एनर्जी जरूरत नहीं है। ओके सर, और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी सैटेलाइट की खुद की एनर्जी तो नहीं होती ना कोई भी? खुद सैटेलाइट की खुद की एनर्जी नहीं होती, मतलब सैटेलाइट का जो सिस्टम विद द अर्थ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी सैटेलाइट की खुद की। यस सर। तुम कौन सी एनर्जी की बात कर रही हो? सर मतलब उसको जो रिवॉल्व है वो तो जो सेलेस्टियल बॉडी है बीच की वही करवा रही है। हां वही करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि उधर इंजन लगा है कोई उसको चला रहा है। यस देन यस यस सर। चलो कैपलर्स लॉज की डिस्कशन जो है वो हम सैटरडे कर लेंगे अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज टू। ठीक है, आज तुम लोग करके आए नहीं। चलो हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।